का क्या हाल है, कितना दुख लग रहा है देख के। हम लोग आ गए हैं अपने पुराने घर में और ये देखो आंटी 49 है, हमारा कितना था 48B, ये वाला हमारा घर था और यहाँ पे हम रहते थे। और ये अंकल हमारी फैमिली के पार्ट थे, अभी भी हैं, इनसे प्यार हमारा नहीं गया तो भी आए। हाँ बताओ अंकल। आइए, एक पीछे में ये भगत जी का, अब वो भी चले गए। हाँ वो भी चले गए और अंकल उधर वाले सारा, और हमारे अंकल आंटी, और ये देखो ये भी खाली, ये दोनों खाली हो गए उधर वाले। ओहो ये भी खाली हो गया, मतलब ये क्वार्टर वगैरह यहाँ पे सारे खाली हो रहे हैं। आंटी अंकल सभी मिलके अभी हम जा रहे हैं इधर घूमने, आपको दिखाते हैं फिर। तो रमन के साथ अभी हम जा रहे हैं, ये हमारा पुराना घर आप देख सकते हो, आप तो पता नहीं कौन, ये हमारे बगल वाले रहते थे उनका घर। तो अभी रोड देखो कितने बज गए, अभी 4 बजे 5 बज गए पर रोड वगैरह पूरा खाली है। और यही यहाँ पे ऐसा ही होता है, मतलब कि एकदम खाली खुली रहेगा, आपको पता ही लगेगा कि आप मतलब कि इतने मतलब लोगों के बीच में हो जहाँ इतनी लोग रहते हैं, पब्लिक रहती है। पर आपको एक मतलब कि एक ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जो पहले जो चितरंजन में रहते थे वो उनको उन्होंने नहीं देखा होगा। इट मीन्स जो इसके आगे का जो एरिया है पूरा एकदम खंडर बन गया है, क्योंकि लोग यहाँ से चले गए और गवर्नमेंट में पता नहीं यहाँ पे अलॉट नहीं कर रही है, बोलते एम्प्लॉय वगैरह कम है यहाँ पे आई थिंक। चलो वो देख के पता लगेगा, ये तो आप पहले इंजॉय करो यहाँ के क्वार्टर्स वगैरह। और ये चौराहा, इसको हम लोग ये वो क्या बोलते हैं, कौन सा चौराहा बोलते थे, डेंजर चौराहा। ये देखो ये देखो ये खंडर वगैरह शुरुआती यहाँ से होता है, यहाँ से शुरुआत हो गया। और रे बाप ये रोड, ये क्वार्टर वगैरह खंडर बन गया, देखो सारा सारे मतलब कि क्वार्टर खाली, ये थोड़े थोड़े घर हैं जो थोड़े हैं रह रहे हैं लोग, यहाँ से खंडर स्टार्ट हो गया यहाँ, इसके बाद बोलते हैं पूरा खाली हो गया। ओहो हो, ये तो रोड पूरा खाली, ये तो खंडर बन गया यार। ये देखो यहाँ पे कोई नहीं रहता है, यहाँ से वहाँ कोई नहीं यार, ये तो बहुत ज्यादा डेंजर, इससे भी डेंजर उधर हो गया। ओहो हो, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये देखो एक आध लड़का, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, कोई नहीं। ये देखो क्वार्टर्स का हाल देख सकते हो, 83 का ये रोड और इसका हाल देखो क्या ही हो गया, इतना बेकार। ओहो हो, यहाँ एक टाइम पे इतनी आबादी थी, इतने लोग रहते थे, तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे पता नहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या कुछ हो गया, लोग मतलब खत्म ही हो गए। आप एक टाइम पे इतना हरा भरा रहने वाला शहर देख, इस जो टाउन है और कितना बंजर बन गया। ओहो हो, अभी हम जा रहे हैं अदी नदी वाले एरिया में, आपको दिखाते हैं। और ये तो मतलब मैं लिटरली समझ नहीं पा रहा, देख के मुझे इतना अफसोस लग रहा है, इतना दुख लग रहा है कि मेरे चितरंजन का ये क्या हाल हो गया। और बस ये है कि मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बता नहीं पा रहा हूँ, बहुत बुरा हाल हो गया। और ये देखो इतना सुनसान रोड, और अदी नदी की तरफ हम जा रहे हैं। ये है शिव मंदिर, जब हम लोग अदी नदी जाते हैं हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है ना। गाइस हम फाइनली अभी पहुंच रहे हैं अदी नदी और बहुत मजा आ रहा है, और मैं क्या ही बताऊं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपनी फीलिंग्स, बट आप इसके बाद पानी भी नहीं है ना, एंड पॉइंट के बाद यहाँ पे एकदम खाली हो गया और खाली खाली जगह नजर आ रही है, हनुमान मंदिर। देखो दोस्तों ये आपको अदी नदी पता नहीं जाएगा, अभी लोग इसलिए आ रहे हैं जिन्होंने होली वगैरह खेली है वो नहाते हैं यहाँ पे आके, स्लो स्लो यहाँ से ना मतलब कि पानी चल रहा है हल्का हल्का सा, यहाँ छठ पूजा, हाँ यहाँ पे छठ पूजा होती है और लोग यहाँ पे छठ पूजा में आते हैं, अदरवाइज नहीं तो होली मनाने आते हैं। ये तो जब ना बाढ़ आती है यहाँ पे, वो देखो पानी हल्का हल्का ना चल रहा है, यहाँ तक पानी आ जाता है, कहाँ तक, यहाँ तक पानी आ जाता है,
ओके ओके ओके, बहुत बहुत मजा आ रहा है। सो दोस्तों, इतने टाइम के बाद आया और चितरंजन इतना बदल गया, मतलब कि रो क्वार्टर्स वगैरह आपने ऑब्जर्व किया होगा, सारे खंडर से बन गया है। बट यहाँ पे आप देखो यार, ये नदी वैसे की वैसे एज इट इज, सो बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और रमन मेरे को लेके आया है, सो रमन को बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस, आप व्यू देखो यार, इंजॉय करो बहुत। आज नदी वैसे की वैसी है, आपने देखी ये नदी। और चलो अब चलते हैं हम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम है और हमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ कवर करना है। तो रमन मुझे घुमा रहा है, तो अभी भी आपको दिखाते हैं लोग यहाँ की वही चीज़ें। पर चेंज तो हो गया, पिकनिक होती है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, इस जगह ना पिकनिक वगैरह काफ़ी होती है, पहले भी होती थी, अब ये होती है जनवरी दिसंबर से जनवरी के टाइम पर। तो उस समय आने का मेन यहाँ पे एक्चुअल मजा है, साल का वही भरा रहता पूरा। हाँ, ये सारा जगह ना, सारी जगह भरी रहती है, तो उस समय आने का मेन मजा है। तो अभी तो मतलब इन्होंने रोड भी अच्छा कर दिया, पहले तो कच्चा रोड होता था, उस समय एडवेंचर भी बहुत होता था, ये बारिश होता था ना पूरा रोड टूट जाता था। हाँ, ये मुश्किल इतनी होती थी यहाँ से आने के लिए, पर अब तो चलो इतना अच्छा से इन्होंने बना दिया है, मतलब अच्छा हो गया। लोग इतने दूर दूर से गाड़ी गुड़ी लेके आते हैं ना, तो पर यार बना तो दिया, पर यहाँ पे लोग ही नहीं बचे आने लायक। वो तो क्वार्टर देख के मैं शॉक्ड हो गया, जो शिव मंदिर आप देख सकते हो यहाँ का, क्वार्टर देख के ही मैं इतना शॉक्ड हो गया कि मतलब ये क्या ही हो गया मेरे चितरंजन को। अभी क्वार्टर देखना सबसे डेंजर क्वार्टर, हाँ इस साइड। हाँ, भाई साहब वो सबसे पहले छुटे होंगे ना, लोग रिटायरमेंट हो गई है लोगों की। और रोड ये देखो जी, देखो सुंदर नदी के पास वाले घर, लोग मुंबई में ना बोलते ना समुद्र के पास रहना चाहते हैं, यहाँ पे सोचो नदी है सामने और फेसिंग है, नदी की फेसिंग है कप्पी और जंगल। 85 स्ट्रीट नंबर 85 तो जानते होंगे, 86A। हाँ, इसका हालत देखिए आप, देखो ये देखो, ओ भाई साहब ये क्या है। हाँ, ये देखो आपको नजर आ रहा है वाटर 86, ये देखो क्वार्टर का हाल, अंदर जंगल, यहाँ तो दरवाजे तक चोरी हो गए। बाप रे, इतना खतरनाक लग रहा है भाई, ये क्या ही हो गया। ए भाई साहब, यहाँ पे तो बहुत डेंजर है, एक टाइम पे यहाँ पे क्रिकेट खेलने आता था और जगह नहीं मिलती थी हमें। और देखो जंगल में ये सारे घर, लिटरली ये सिमजोरी एकदम बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। बोलते हैं दुनिया जैसे खत्म होती है, यहाँ पे चितरंजन खत्म हो चला। ओए 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 भाई, कहाँ चले गए इतने लोग। ये मतलब हम लोग गए यहाँ से और चितरंजन बर्बाद होना स्टार्ट हो गया। यही बोल सकता हूँ मैं, और क्या, सेम कंडीशन ये रास्ता, इस रास्ते का भी सेम कंडीशन है। सो गाइस, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ 81 स्ट्रीट नंबर, ये वाला जो कोने वाला घर है, रुकना यहाँ पे, ये वाला जो कोने वाला घर है, ये आम का पेड़, इस घर में हम लोग सबसे पहले रहते थे 7B। मैं छोटा था, बहुत छोटा था, यहाँ पे हम रहते थे और यहाँ पे हमने कितना एंजॉय किया है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। ये देखो, ये पूरा स्ट्रीट है, अभी इस स्ट्रीट का क्या हाल है, कितना दुख लग रहा है देख के। स्ट्रीट नंबर, ओ माई गॉड, ये आम का पेड़ था हमारा और ये बगान होती थी बहुत बड़ी, हमने काफ़ी। और यहाँ से ना डैम का फेसिंग था और काफ़ी लोग रहते थे इस रोड पे। अभी तो यहाँ पे देखो एकदम खाली सा हो गया, यहाँ पे बहुत बड़ी याद है हमारी इस घर की, मतलब अगर मैं घर के अंदर थोड़ा जाता हूँ तो थोड़ा आपको जाने में भी डर लग रहा है मुझे, बट आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ। डेंजर तो नहीं है भाई? नहीं, ये देखो सांप, अरे भाई साहब वो सांप सूंप मेरे को बोल रहा है कि रहता है यहाँ पे भाई। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ओहो क्या ही हाल है भाई। ये वो घर है जहाँ पे हम रहते थे। चलो अभी ज़्यादा अंदर ना जाते हुए, डेंजर है क्योंकि पता 100 कीड़ा वगैरह हो सकता है। तो ये है हमारा सबसे पुराने वाला घर, उसके बाद 83 का जहाँ से मैं आया हूँ, रमन के बगल वाला घर, वहाँ पे हम रहते थे। अब उसके बाद हम पापा रिटायर हो गए थे तो फिर हमने चितरंजन छोड़ दिया था। तो चलो अभी आगे आपको दिखाता हूँ काली मंदिर। अब यहाँ पे थोड़े बहुत लोग रह रहे हैं, देखो रेड क्वार्टर वगैरह प्यारा, पर ये भी ना लगभग खाली हो गया काफ़ी रोड्स वगैरह। और आगे देखो काली मंदिर, इस मंदिर में हमारी बहुत यादें हैं, यहाँ पे मैं खेलने भी आता था। और यहाँ पे ये वाला गिफ्ट कॉर्नर था, ये कॉर्नर वाला ना, ये गिफ्ट कॉर्नर के आज भी गिफ्ट कॉर्नर में ख्याल से ये वाली,
ये देखो अभी भी दुकान खुली है, तो ये ताश खेलते हैं लोग। और हम जा रहे हैं अभी काली मंदिर, ये है काली मंदिर, उधर गाड़ी नहीं जा रही। अच्छा अच्छा ब्लॉक है ये, तो जी ये काली मंदिर है यहाँ का, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, डेवलप हो गया। और देखो देख के बहुत नज़ारा आ रहा है, ये वैसे का वैसा ही है ना, बस थोड़ा डेवलप हुआ पहले, ये आगे थोड़ी शेड सी बनी है, पहले वो नहीं थी, और बाकी वैसा ही है, तो ये ब्लॉक कर दिया गया है। चलो ठीक है, जय माता दी काली माँ। तो कबेड़ा पार करना, घूमटियाँ ये छोटी छोटी दुकानें एज इट इज़ हैं। अपने साइकिल की हवा वगैरह या पंचर वगैरह बनवाता होता था, ये वाला डैम वाला एरिया, ये इसको कैसा लगता है, ये बहुत प्यारा है, यहाँ दोनों तरफ डैम है, तो पर ये वैसे ही जंगल है, बहुत खतरनाक सा जंगल लगता है ना, दोनों तरफ ये डैम है और बीच में ये रोड है। अभी आई थिंक डैम में पानी नहीं है क्या? है थोड़ा। अच्छा वो सब आ गया ना आपका गर्मी सीजन, हाँ ये देखो कवर आ गया, ये सब पानी है इसके नीचे, ये मतलब ना कि खाली है, इसके पीछे पानी है, वो देखो ये ढक जाता है, ये आ जाते हैं कवर, ये उग जाते हैं, ये देखो बहुत प्यारा लगता है व्यू देख के, लोग फोटो शूट करते हुए, फोटो सेशन करते हुए यहाँ पे। देखो बारिश का मौसम हुआ पर है, पर बारिश आई थिंक नहीं आएगी। अब मैं मंडी दिखाता हूँ, जो यहाँ पे हमारी सबसे नज़दीक की मंडी थी, और एकदम जंगल सा हो गया यार, पहले ऐसा नहीं था, अब ये देखो छोटी छोटी ये चिकन की शॉप्स वगैरह, बकरा वगैरह, चिकन वगैरह, उसी की मटन, ये देखो ये इस तरह की इस, ये देखो दुकान है, और यहाँ पे एक जलेबी की दुकान होती थी, ये वाली, ये आज भी है, सुबह सुबह यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, ये बहुत मतलब कि फेमस है और बहुत अच्छी है, ये देखो वही क्वार्टर्स वगैरह आप देख सकते हो। चलो जी वेरी गुड, ये देखो वही दुकान है, एकदम बंद है, होली के चक्कर में आज बंद है, ये फ्रूट वाला, ये क्या बना है ये आगे, ये प्राइवेट दुकानें बन गई क्या? नॉर्मल दुकान है, पहले ये सब खाली थी, ये सब खाली थी, कहती हुंदी सी जान तकरा बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे ओना तारिया दे। ये वाले थोड़े अभी हैं ना यहाँ पे ना, ये तो ये दो मंदिर क्वार्टर्स बन गए, पहले यहाँ पे नहीं था, अच्छा ठीक है, पहले रहने की जगह नहीं होती थी ना पुलिस की, पुलिस के लिए इन्होंने अलग से बना दिया फ्लैट वगैरह जहाँ पे वो रह सके। अब ये फतेहपुर स्टार्ट हो रहा है, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ।